अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन. ओके क्लास, ओपन यूअर मैथ्स सेट टू एंड देन राइट दिस क्लास वर्क. टुडे द डेट इज 4th December एंड द डे इज फ्राइडे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट एंड डे देन इवेंट. क्लास, आज हमारा इवेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप एज यू नो, आपने कल भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी. आज हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने कोई भी हमारे पास जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी, हमने उसकी फर्स्ट फाइव उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं. अब देखिए, हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो 1/2 है. हमने इसके कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं? 5. हमने इसे 5 टाइम्स लिखा है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 टाइम्स लिखा है. अब हमने इसकी बनानी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप लोग देखिएगा, फ्रैक्शन वही है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. फ्रैक्शन वही है, सिर्फ हमने इसके फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं. फर्स्ट टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. हमने 1 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फ्रैक्शन आएगी 1/2. फर्स्ट हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 3 के साथ किया, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 3s are 3, 2 3s are 6, 1 4s are 4, 2 4s are 8, 1 5s are 5, 2 5s are 10, 1 6s are 6, 2 6s are 12. अब क्लास देखिएगा, कल भी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, हमने फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है उनको ना सेम नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है. कोई भी नंबर आप अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नोमिनेटर के साथ, आपने डिनोमिनेटर के साथ भी उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. ओके क्लास, आज का क्लास वर्क यही है. आप लोगों ने होमवर्क करना है सेम ऐसे ही पेज रेडी करके. तो आप लोगों ने ये होमवर्क करना है, आप लोगों को जो फ्रैक्शन दी है वो 3/4 और 4/5 है. आपने ऐसे ही 5 बना के, तो पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 5 आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.